हेलो फ्रेंड्स, माचा डॉक्टर विजय। आज बात करेंगे एजुकेशन एंड कोरोना के बारे में, ग्लोबल जो है उसके बारे में। दोस्तों, कोरोना ने पूरे दुनिया को तबाही कर रखी है, एजुकेशन सेक्टर भी अभी उसमें आ गया है। आज देखेंगे, अब जो डाटा हम लोग एनालिटिक करेंगे तो दुनिया का 8.5 ट्रिलियन डॉलर का जो असर होने वाला है आने वाले 2 साल में हो जाएगा। दूसरी बात, 34 मिलियन स्टूडेंट है जो वर्ल्ड में है वो एजुकेशन से बाहर हो जाएंगे। अगर वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक स्टडी करेंगे तो कुछ गिने चुने कंट्रीज है जहां एजुकेशन चालू कर दिया है, जैसे कि स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है। और आप लोग देखेंगे कि करीबन 32 करोड़ स्टूडेंट जो इंडिया के है वो अफेक्टेड है। और कुछ अभी चल रहा है पेरेंट्स एजुकेशन और स्कूल के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि एजुकेशनल फीस कम कर दो, स्कूल कह रहे हैं कि भाई हमारे पास भी स्टाफ है, मेंटेनेंस है, तो हम स्कूल की फीस कम नहीं कर सकते, हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कुछ गिने चुने अभी 2 स्टेट ऐसे हैं जो 40% जहाँ इंटरनेट की सुविधा है, अदरवाइज अदर जो स्टेट है उसमें करीबन 10% ही इंटरनेट की सुविधा है। तो लोग खाली 10% स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग चालू कर दी है। और आपको पता है ऑनलाइन टीचिंग में ड्रॉबैक्स क्या क्या है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इसके ऊपर, ये लॉन्ग टर्म डैमेज है। करीबन 30% लोगों का जॉब चला गया है और उनके बच्चे अभी स्कूल नहीं चले जाएंगे, और ये जो चाइल्ड है उनके, वो चाइल्ड लेबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बात करेंगे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ें अलग अलग है। ये प्राइवेट स्कूल चलता है डोनेशन और स्टूडेंट के फीस के ऊपर, और गवर्नमेंट स्कूल जो चलता है वो चलता है गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर, ताकि जो भी टीचिंग स्टाफ है उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है। और ये प्राइवेट स्कूल है उनको जो सैलरी देती है वो प्राइवेट स्कूल वाले देते हैं, वो आती है स्टूडेंट के फीस से, डोनेशन से। तो मैंने कई बार पेरेंट्स से बात किया कि इसके ऊपर क्या राय है, तो उन्होंने बता दिया कि जैसे मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपये दिया है कोविड के बाद, तो वो कुछ रकम है तो प्राइवेट स्कूल को दी जाए ताकि वो अपने जो टीचिंग स्टाफ है उनका पेमेंट कर सके। चलो मान लो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात किया, स्टूडेंट से भी बात किया, टीचर से भी बात किया, तो उन पे क्या बीत रही है, टीचिंग का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो पूरा जो एफर्ट्स है वो टीचर्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्टली प्रेजेंटेशन कैसा करना है। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन, जूम एप्लीकेशन से कैसा करना है, क्या नहीं है, बैठने का स्ट्रेट बॉडी जो है उसका सेटलमेंट नहीं हो रहा है, मेंटल जो है बच्चों का वो ठीक नहीं है, पेरेंट्स का मेंटल ठीक नहीं है, टीचर का मेंटल ठीक नहीं है। मतलब जो भी है, जो भी चल रहा है टीचिंग प्रोसेस, वो कम्प्लीटली अनसेटिस्फाइड है। तो मेरे बहुत सारे जितने भी स्टाफ है, टीचर है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उनसे भी बात हो गई, तो वो भी लाचार है। तो ये कोई ना कोई आवाज़ उठाना चाहिए, उसके बारे में ये बात होनी चाहिए, डिबेट्स होना चाहिए। अभी जो चल रहा है क्लासेस वो ओनली रिकवर ऑफ द फीस ऐसा दिख रहा है सिचुएशन, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर कुछ नई राय गवर्नमेंट ने निकालनी चाहिए, गवर्नमेंट का कुछ एक अंकुश होना चाहिए इससे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा हौसला और बढ़ाइए। धन्यवाद। डॉक्टर विजय, थैंक यू।